सो हेलो एंड वेलकम, मैं स्वागत है आपका फोर एक्स फ्रंट बॉक्स में। सो रियलमी लेके आ गया है अपना रियलमी 11 5G सीरीज, जिसमें रियलमी 11 एक्स 5G और 11 5G लॉन्च किया है। तो आज हम बात करने वाले हैं रियलमी 11 5G की, कि क्या ये स्मार्टफोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है या नहीं। तो सब कुछ बताओगे इसके बारे में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो शुरू करते हैं फ़ोन के बैक साइड से, जिसमें बैक में आपको पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने मिलती है। फ्रेम देखने में आपको मेटल दिखेगा, पर वो भी पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने मिलता है। पीछे ड्यूअल कैमरा सेटअप देखने मिलता है राउंड डायल में। और पोर्ट्स और बटन की बात करें तो बॉटम में आपको 3.5 mm का जैक, माइक टाइप सी पोर्ट, स्पीकर देखने मिलता है। लेफ्ट में वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन, जिसमें फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। राइट में सिम ट्रे, जिसमें ड्यूअल सिम का सपोर्ट है और माइक्रो एसडी स्लॉट भी मिल जाता है, तो एक अच्छी बात है। तो शुरू करते हैं फ़ोन की डिस्प्ले से, जिसके अंदर 6.72 इंच का एक पंच होल कटआउट में फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने मिलता है, जिसमें 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने मिल जाता है। और ब्राइटनेस पीक की बात करूँ तो 550 नीट्स का ब्राइटनेस पीक देखने मिल जाता है। तो ओवरऑल डिस्प्ले की बात करूँ तो एवरेज होगा, क्योंकि 20,000 की रेंज में आपको AMOLED डिस्प्ले देखने मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं फ़ोन के परफॉर्मेंस की, जिसके अंदर आपको MediaTek का Dimensity 6100 प्लस एसोसिएट का प्रोसेसर देखने मिल जाता है, जो एक 5G प्रोसेसर है। और ये एक नया प्रोसेसर है जो Android 13 आउट ऑफ बॉक्स देखने मिल जाता है। साथ में कस्टम यू आई रियलमी UI 4.0 देखने मिलता है। रैम स्टोरेज की बात करें तो 8GB LPDDR4X रैम देखने मिलता है, और 128GB और 256GB UFS 2.2 स्टोरेज देखने मिलता है। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो डे टू डे टास्क आप सही से कर लोगे, हैवी गेमिंग नहीं हो पाएगा, और बॉटवेयर भी इसमें देखने मिलता है, तो परफॉर्मेंस में भी एवरेज का होगा। तो बढ़ते हैं फ़ोन कैमरे की तरफ, जिसके अंदर आपको बैक में ड्यूअल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसके अंदर 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर है। वहीं पर फ्रंट की बात करें तो पंच होल कटआउट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने मिलता है। अगर रियर कैमरा की क्वालिटी की बात करूँ तो दिन के अंदर आपको एक अच्छी फोटो क्लिक करके देता है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो 1080p तक वीडियो शूट करके देता है। और फ्रंट की बात करें तो फ्रंट पे भी आपको कैमरा क्वालिटी अच्छी देखने मिलता है। और अगर उसके वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो 1080p तक वो वीडियो शूट करके देता है। तो ओवरऑल कैमरा की बात करें तो कैमरा क्वालिटी अच्छी है, बट अल्ट्रा वाइड सेंसर होना जरूरी था इस प्राइस पॉइंट पर। और वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो 4K भी सपोर्ट होना जरूरी था। तो फाइनल बात करते हैं फ़ोन के बैटरी की, जिसके अंदर आपको 5000mAh का बैटरी देखने मिलता है। साथ में 67W का आपको सुपर वॉक फास्ट चार्जर देखने मिलता है, जिसकी स्पीड है 35 to 40 मिनट में आपको फुल चार्ज करके देता है। और बैटरी बैकअप की बात करें तो आप अगर आपका नॉर्मल यूज होता है 2 दिन आराम से आप चला लोगे। तो ओवरऑल फ़ोन की बात करें तो डिस्प्ले के अंदर AMOLED डिस्प्ले होना चाहिए था। परफॉर्मेंस के अंदर डे टू डे टास्क आप अच्छे से कर सकोगे। कैमरा भी एक अच्छी इमेज क्लिक करके देता है, बट अल्ट्रा वाइड सेंसर मिसिंग है। अगर आपको एक अच्छा कैमरा वाला फ़ोन चाहिए तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, बट आपको है गेमिंग करना है तो ये आपके लिए फ़ोन सही नहीं है। तो कैसा लगा ये वीडियो और फ़ोन कमेंट में जरूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।